ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको शिव पुराण पूरी कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है। आज हम रुद्र संहिता का चौथा अध्याय नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप देना। ऋषि बोले, हे सुत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए, इस सब के बारे में भी हमें बताइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को श्राप देकर भी मोहवश कुछ जान न सके। तत्पश्चात क्रोधित होकर वे तालाब के पास पहुँचे और वहाँ जल में पूर्ण अपनी परछाई देखी तो फिर उन्हें वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी और अधिक क्रोध चढ़ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी नहीं होता देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को न पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपटपूर्ण चाले अधिक प्रिय है। महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल मिलेगा। कौन कह रहा है? नारद जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं। माया मोहित नारद जी क्रोध से खिन्न थे। वे भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मुँह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप में कपटपूर्वक मुझे छला है तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिस वानर के समान मेरी आकृति बना दी है वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों की स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करके मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे, मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो श्राप दे दिया वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जबान से निकाले। मुझे बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी न हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए।
आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। देखो इसमें क्या बताया है, अब विष्णु भगवान जो है नारद जी को ये बात समझा रहे हैं कि जो हमारे भगवान शिव हैं, महादेव हैं, वो ही परमात्मा हैं, महेश्वर हैं और परम ब्रह्मा हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूप को प्रकट किया है। और जो ब्रह्मा जी है वो पूरे जगत को चला रहे हैं और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ, और शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण है। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ। अपने सारे शंकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अन्यन भाव से शिव जी के सतनाम स्त्रोत का पाठ करो, उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन, वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भवसागर में तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्य ने शिव जी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए अपनी स्तुति पर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्त्रोत अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। तो जो पाप आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस अध्याय में, जो पाप नारद जी के द्वारा किया गया, इतना बड़ा पाप जो नारद जी ने किया, उस पाप से भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उस पाप से भी उनको छुटकारा मिल सकता है। भगवान विष्णु ने ये बात बताई उनको कि अगर आप महादेव की, शिव जी की जो है आप पूजा करें, शिव जी की रोज अर्चना करें, इस तरीके से आप शिव का नाम जपने से आपके जो इतना बड़ा जो आपने पाप किया है वो पाप भी आपका नष्ट हो जाएगा। पांचवा अध्याय, नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण व ब्रह्मा जी से प्रसन्न। सुत जी बोले, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंत ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिव लिंगों के उन्होंने दर्शन किए। उन पर जब उन रुद्रगणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने श्राप से मुक्ति के लिए उनके चरणों में गिर पड़े।
उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। नारद मुनि, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें श्राप दे दिया था। अब आप हमारी जीवन रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया हो। कृपा कर हम पर प्रसन्न होकर हमें श्राप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं एवं सभी के लिए आदरणीय हैं। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको श्राप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दे, परंतु मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। मुनिवर, विश्वा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान एवं वैभव से मुक्त होगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्त में होगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा और फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सुत जी कहने लगे, इस प्रकार नारद जी का कथन सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी आनंद से सराबोर हो मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में पहुंचे और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे उनका स्मरण करते हुए ब्रह्म लोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और हृदय से शिव जी के प्रति भक्ति भावना ही थी और कुछ नहीं। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो परम ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हो। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि को भी नहीं जानता। अंततः अब मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप तथा वे सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसी होती है और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि की कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से ये बात कह रहे हैं। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृतांत को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बातें सुनकर पिता महा ब्रह्मा बहुत ही प्रसन्न हुए। छठा अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन। अब ब्रह्मा जी के द्वारा शिव तत्व का वर्णन किया जाएगा। बहुत ही ध्यान से आपको इस अध्याय को सुनना है। शिव पुराण को सुनने मात्र से आपको सारे पाप जो है नष्ट हो जाएंगे, ये बात शिव पुराण में कही गई है। आप अपने हृदय से शिव पुराण को बहुत ही ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उस परम ब्रह्मा शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ।
शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश व ब्रह्मांड तारों व ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रह और नक्षत्रों का कहीं पता नहीं चल रहा था। दिन रात अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। शब्द स्पर्श गंध रूप रस का अभाव हो गया था। सत्य असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत्य ही बचा था। उस तत्व को मुनिजन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते हैं। वाणी नाम रूप रंग आदि की वहां तक पहुंच नहीं है। उस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान में किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त संपन्न सर्व ज्ञानमयी एवं सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूपता स्वरूप भुक्ता शक्ति की रचना की। वही परम शक्ति प्रकृति गुणमय और बुद्धित्व की जननी कहलाई। उसे शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोगों की जननी त्रिदेवों की माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी आठ भुजाएं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की क्रांति भी छिन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण व गतियां देवी की शोभा बढ़ाती है। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदाशिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल में चंद्रमा और मुख में तीन नेत्र शोभा पाते हैं। उनके पांच मुख हैं तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी हैं। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परम आनंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिव जी ने इसका नाम आनंद वन रखा है। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप कर हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग का अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ जो शांत और सत्य गुणों से युक्त एवं गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी क्रांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था और नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले, मैं सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंत ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर में अनेक जल धाराएं निकलने लगी।
उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। तभी से उन परमात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति के महान और उससे तीन गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं पांच भूत प्रकट हुए। उनके ज्ञानेन्द्रियों एवं कामेन्द्रियों बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको गहन करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में सो गए। अब जो सातवां अध्याय है वो हम अगले दिन इसका अध्ययन करेंगे। सातवां अध्याय मैं आपको अगले दिन सुनाऊंगा। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव।